लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अशोक, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। I am happy, very, very happy indeed. Thank you, sir. Thank you very much. अशोक, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब तुम किसी न किसी तरह स्विट्जरलैंड जाकर एटॉमिक एनर्जी की हायर स्टडीज पूरी करके आओ। सर, MSc कर लिए यही बहुत है। जरा सोचो अशोक, अपने कैरियर के लिए, अपने देश के लिए अगर तुम फॉरेन जा सको तो मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, लेकिन यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं यही नौकरी करूं तो अच्छा है। माँ, तू रो रही? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। ये आंसू भी बड़े बेईमान होते हैं, न गम छुपाने देते हैं न खुशी। तेरे बाबूजी की याद आई, वो कहा करते थे हम अशोक को विलायत भेजेंगे, वहां से वो सबसे ऊंची डिग्री लेकर आएगा। हेमा, सबसे ऊंची डिग्री तो मिल गई, बाकी रही विलायत की बात, उसे भूल जाओ। बेटी, क्या तू अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी नहीं करेगा? माँ, तू समझती नहीं है, विलायत जाने के लिए बहुत से रुपया चाहिए। कितना? कम से कम 10-15 हजार। तुमने 10-15 हजार कहे थे ना, ये 20 मिल गए। माँ, इतना पैसा आया कहां से? बेटे,
मेरा सुहाग रूठ जाने के बाद ये गहने बेकार ही पड़े थे। सोचा था बहू को चढ़ा दूंगी। अब तू विलायत से पढ़ लेकर वापस आएगा तो खुद ही बनवा लेना। बेटे तू विलायत जरूर जाएगा। अशोक ये है लेटर यूनिवर्सिटी के डीन के नाम, और वहां मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं जमुना दास जी, उनको मैंने तार दे दिया है, वो तुम्हें ज्यूरिख एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाएंगे। नाउ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, मैं चलूं? जीते रहो बेटे, अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करना। मां तो भगवान को मानती है ना, तो अपने भगवान से सिर्फ एक ही चीज मांगना कि 100 जन्म तक तू मेरी मां बनती रहे, और मैं कुछ काम घर के लिए भी रहने दो। आप जमुना दास जी? करेक्ट, तुम अशोक हो? जी हाँ। मगर शक्ल से तो इटालियन लगते हो। जी मतलब? ये गोरा गोरा रंग, कहीं तुम इन गोरी चमड़ी वालों में मिल जाते तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता है। इसीलिए मैं शुद्ध भारतीय वस्त्र पहनकर आया हूँ। इतनी तकलीफ क्यों की आपने? आप तो शक्ल से 100% हिंदुस्तानी मालूम होते हैं। आए, लगता है तुम मेरी दूसरी बीवी के सगे भाई हो। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ, वो भी यही कहती है कि तुमको 20 साल हो गए यूरोप में रहते हुए, मगर अभी तक हिंदुस्तानी के हिंदुस्तानी हो। ये तो बड़े फक्र की बात है। इंसान किसी भी देश में रहे लेकिन उसे अपने देश की सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। मूली के पराठे, देसी घी में छौंकी हुई उड़द की दाल, दुनिया का कोई भी देश हिंदुस्तान जैसी दाल नहीं बना सकता। चमनादास जी कहाँ खो गए आप? गुरदासपुर। सॉरी, आओ बेटा। वो है मेरी दूसरी बीवी और वो उसका बेटा। यानी कि आपका बेटा? मेरा? मुझे तो लगता है ये अपने बाप का भी नहीं। हाय जंबो डार्लिंग, मेरा नाम जमुना दास है, जंबो नहीं। ओ कम ऑन डार्लिंग, वो तो हिंदुस्तान में अच्छा लगता होगा, यहाँ तो जंबो डार्लिंग कितना अच्छा लगता है। व्हाट अ मॉडर्न नेम डैड, कहाँ जमुना का दास और कहाँ जंबो जस। आपको तो खुश होना चाहिए डैड। यू शट अप बैड, ये घर है या जुए शराब का अड्डा? शराब कहाँ डैड, दिस इज ओनली बियर। यस डियर, चीयर्स। कम ऑन डियर स्पोर्ट।
उठो। We are playing that. Why don't you join us? मैं कहता हूँ उठो 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 ना। अशोक, ये है मेरी बीवी रानी नीरा देवी और ये इनका होनहार बेटा विक्रम। हेलो, हाय। ये अशोक है, मेरे दोस्त प्रिंसिपल साहब का खास स्टूडेंट, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया है। चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारे फ्लैट तक ले चलूं। देखा मम्मी, डैड ने एक अजनबी को कितने प्यार से बेटा कहा और तुम्हारे बेटे से कभी सीधी तरह बात नहीं की। ओह डोंट वरी सन, जब तक अकाउंट हमारे नाम नहीं खुल जाता तब तक जमा हमारी चेकबुक है, उसे नाराज नहीं करना प्लीज, यू अंडरस्टैंड। Your report is excellent, Mr. Ashok. Thank you, sir. But why do you want to specialize in atomic energy? For the development of our country. You know, sir, we believe that atomic energy should be used only for peace and prosperity. Good, good, Mr. Ashok. You are welcome to join our institution. Thank you, sir. होशियार, क्या हुआ? खबरदार, आप हिंदुस्तानी हैं? आपका शुभ नाम अशोक शर्मा है, यानी हिंदू ऊपर से ब्राह्मण। मेरा नाम मुरलीधर चतुर्वेदी है, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपका जात भाई हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके चरण छूता हूँ। इस होटल के अंदर मत जाइए, मेरा तो हो चुका है, आपका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अंदर मत जाइए, मत जाइए। यू बास्टर्ड, तुम अभी तक नहीं गया? मैं नहीं जाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद। कौन है ये आदमी? He was a waiter in my hotel. काम से निकाल दिया, सत्याग्रह पे उतरा है। अहिंसा, नारे लगाना, भूख हड़ताल, इसके सिवा और आता ही क्या है इन ब्लडी इंडियंस को? सभी हिंदुस्तानी अहिंसा में बिलीव नहीं करते मिस्टर विक्रम, और मैं भी नहीं करता। आई बैग योर पार्डन। आइंदा किसी हिंदुस्तानी को ब्लडी इंडियन कहने की जरूरत मत करना, कम से कम मेरे सामने। इस दुष्ट की बोलती बंद करके आपने भारतवर्ष का बोलबाला कर दिया। लेकिन जमुना दास जी ने तुम्हें नौकरी से निकाला क्यों? वो मुझे फुसलाकर गुरदासपुर से यहाँ लेकर आया, कहता था मेरा शाकाहारी भोजनालय है, तुम्हारा काम है भोजन परोसना, और मैं भोजन परोसता रहा। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि इस पाखंडी ने मेरे साथ विश्वासघात किया, यहाँ इसको कोई आदमी नहीं मिलता था, इसलिए मुझे फंसा कर लाया। हाँ, लेकिन वह क्या? जिसको वो आलू कहता था वो बतख के अंडे निकले, जिसको वो विलायती सब्जी कहता था वो मांस निकला। उसने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जब मैंने परोसने से इनकार कर दिया तो उसने नौकरी से बाहर निकाल दिया। न मेरे पास रहने को जगह है, न मेरे पास पैसे हैं, मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। रो नहीं, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, सुनो सुनो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, सड़क पे मैं आपके साथ चलूं? हाँ, मेरे साथ, मेरे फ्लैट में मेरे साथ रहो। क्या कह रहे हैं आप तो मानव के रूप में कोई अवतार है, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। तुम मेरे भाई हो, हिंदुस्तानी भाई। चाय पी लो भैया। अरे, ये ज्यूरिख में पापड़ कहाँ से आ गए? ये हापुड़ के पापड़ हैं भैया, गांव से चलते समय पूज्य माता जी ने मुझे दिए थे और कहा था बेटा जब भी कभी तुझे मेरी याद आए तो इनको जरा तल के खा लेना। नौ साल पहले खाए थे, लवली। कौन है? दिल्ली में। इट्स डिलिशियस, इट्स लवली। लवली लवली, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट। Mm.
I'm sorry. बिना पूछे पापड़ खा लिए। वैसे किसने बनाए हैं? माताजी ने। हाँ? मेरा मतलब मैंने। मेरा शुभ नाम है मुरलीधर चतुर्वेदी गुरदासपुर वाले। आपका शुभ नाम? मैरी। मैरी? आपकी नहीं, मैरी। हाँ, मैरी। ए मुरली, आप हिंदुस्तानी हैं? Of course, हम लोग आपका ऊपर रहता है। ऊपर? क्षमा कीजिएगा, ये हम लोग में कौन कौन प्राणी हैं? हम और हमारा डैडी मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन भी ऊपर ही? ओह बाय द वे, डैडी बहुत गुस्सा करेगा। पापड़ खाने के लिए क्या? नहीं नहीं, हमारा फोन आउट ऑफ ऑर्डर है। कैन आई यूज योर फोन प्लीज? ऑफ कोर्स बाय बाय ऑल मींस। थैंक यू सो मच। मेरी ही। हेलो, दिस इज मैरी जॉन हियर। ओह हेलो, you see dad's not well, could he deliver the car tomorrow? I want it today. अजीब है, एक बार कह दिया डैडी की तबीयत खराब है, फिर भी कहता है डिलीवर द कार, गाड़ी भेजो। ऑलराइट, आई विल टेल हिम। डैम यू। सुनिए जी, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी बात ये है, डैडी कार डीलर है, उनको आज ही अर्जेंटली गाड़ी डिलीवर करनी थी मगर पैर में मोच आ गई। आप कहिए तो मैं डिलीवर कर देता हूँ। सच? देखिए ना, एक ही मकान में रहते हैं, अगर एक दूसरे के काम ना सके तो क्या फायदा? How lovely, thank you. आप डैडी से जाकर कह दीजिए। Thank you so much, you're such a darling. एक क्षण रुकिए। जी? एक पापड़ तो और खाती जाइए। Thank you, Mr. मुरलीधर। चतुर्वेदी? क्या? गुरदासपुर वाले? Bye bye. Bye bye. Bye bye. मुरलीधर चतुर्वेदी। जी। एक बार तो तेरा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए सावधान। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे? देख, मेरी जो है ना वो क्रिश्चियन है, ब्राह्मण है, इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा है अर्जुन सावधान। जी छोड़ो जी ये गुरदासपुर वाली बातें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है, संसार का हर प्राणी एक है, उसका धर्म एक है, उसका कर्म एक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना तेरा कोई धर्म है ना तेरा कोई कर्म है, तू बड़ा बेशरम है। हाँ? इधर का ड्राइविंग में और इंडिया के ड्राइविंग में बहुत फर्क है, इधर राइट को चलना पड़ता है एंड हाई स्पीड, यू नो। यस आई नो, नॉट टू वरी। माय गॉड, दिस लेग ऑफ माइन। साहब, ड्राइविंग में कोई मिस्टेक? ओह नो, अरे तुम तो एकदम फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, तुम्हारा अच्छा ड्राइविंग देख के हम तुमको एक प्रपोजल देना चाहते हैं। प्रपोजल? हाँ, परसों ये बहुत बड़ा गाड़ी का रेस है, तुम उसमें हिस्सा लो, हमको अकेले तुम फर्स्ट प्राइज जीतेगा। ए जॉन साहब, ना अपने पास गाड़ी है ना जान पहचान, आप तो बिल्कुल कड़का। अरे मैं ना आम फिक्र मत करो तुम। ओके। मिस्टर जॉन, कुछ पीड़ा कम हुई? कुछ तो हुआ। चिंता मत कीजिए, नष्ट हो जाएंगे आप। मेरा मतलब आपकी पीड़ा नष्ट हो जाएगी, 5-6 दिन की बात है बस। अच्छा अब देखिए, मैंने ये अलार्म लगाया हुआ है, हैं जी, 10 मिनट तक आंखें बंद करके इसी अवस्था में, इसी रूप में, इसी आसन में गुरु का नाम लीजिए। गुरु? गुरु नहीं, महागुरु मुरलीधर। मुरलीधर? आंख बंद कर। मुरलीधर? अरे मुरलीधर। मुरलीधर? 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 ये कौन सा योगासन है? ये योगासन नहीं, ये रोग आसन है। रोग माने बीमारी, ये जिसको एक बार चिपक जाती है जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। ये बीमारी कौन सी है? मेरी अलग अलग देश में इसके अलग अलग नाम है, हमारे भारत में इसको प्रेम कहते हैं।
तुम्हारे स्विट्जरलैंड में क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड? हाँ। लीबे लीबे लीबे, कितना सुंदर वर्ड है ये लीबे। मुरलीधर मुरलीधर, अगर डैडी आ जाए तो? कभी नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हारे डैडू बिल्कुल नहीं आ सकते। क्यों? मैंने उनको 10 मिनट के लिए उल्टा लटका के रखा हुआ है। हाँ, मकर ध्वज आसन, पीकॉक पोज, पीकॉक, मेरे पीकॉक। मुरलीधर अशोक भैया, इसी समय आना था, सत्यानाश कर दिया मेरा। अशोक, ये क्या किया तुमने? गुरु ने कहा था 10 मिनट ऐसे ही आंख बंद करके लेटना है का? गुरु? हाँ गुरु। अरे वो तुम्हारा दोस्त मुरली, उसके योगा से हमको बहुत फायदा हुआ। हो रहा था, किंतु समय से पहले नेत्र खोलकर आपने सब चौपट कर दिया। आई टोल्ड हिम। ओह अशोक भैया, तो ये सारा विघ्न आपका ही डाला हुआ है। विघ्न? हाँ। और हमने डाला। कम ऑन मेरी, लेट्स गो। मेरी चाय ले आऊं? पापड़ पापड़, हापुड़ के पापड़, रसमलाई। मुरलीधर, कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन सावधान सावधान। अब ये मुरलीधर चतुर्वेदी गुरदासपुर वाला सावधान नहीं रह सकता। जय संतोष। मैंने तुम्हारा रूट मार्क कर दिया है, ये है रेस का स्टार्टिंग पॉइंट, ये लो नक्शा, एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो ड्राइवर, आज मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा, इसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। एंशुलिंग एनसीबी से। ओह, यू आर एन इंडियन जी, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? कहाँ तक जाइएगा जी? मैं कहीं भी उतर जाऊंगी। सुनो, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी जान खतरे में है, कोई पूछे तो बताना मत। हाँ, ओह शिट। अंशुल दिगंत से बीते। देखिए, मैं आपका बेटा बेटा नहीं हूँ। आर यू एन इंडियन? उस गाड़ी में जो लड़की थी उसे कहीं देखा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये गाड़ी, दरअसल क्या हुआ, उसकी गाड़ी खराब हो गई, उसने किसी से लिफ्ट मांगी, उसे लिफ्ट मिल गई और वो गाड़ी में बैठ के चली गई। चली गई? वाह। ये बुढ़ो गुंडा तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ? फजूल की बातें मत करो, गाड़ी चलाओ। बात तो ऐसे करो जैसे तुम्हारे बाप की गाड़ी है, लगता है किसी लखपति बाप की बेटी हो। लखपति नहीं, करोड़पति की बेटी हूँ। शायद इसीलिए इतनी बदतमीज हो। तो जाओ गाड़ी से। आई से गेट आउट। लुक, आई से गेट आउट प्लीज। आई एम सॉरी। गेट आउट। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी। हां, दैट्स बेटर। चलो गाड़ी चलाओ ना प्लीज। अच्छा,
हाँ, लेकिन एक अजनबी को लिफ्ट देते हुए जरा सा डर लगता है। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि मेरा नाम वीरा है। अच्छा है? अच्छा, मेरा नाम अशोक है। अच्छा, बहुत अच्छा है। Okay. नहीं देखा कभी पहले, कभी पहले नहीं देखा। ये फूल है किन गुलजारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। नहीं देखा कभी पहले, कभी पहले नहीं देखा। ये फूल है किन गुलजारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं, पर डरो मत फूलों को मैं तोड़ता नहीं। मुझे जो पसंद हो मैं छोड़ता नहीं, पर डरो मत फूलों को मैं तोड़ता नहीं। मुझको खबर है कि तुमसे नाजुक कलियां छूने से शर्मा जाती है। ये है आदत मेरी बिना मतलब के, ये नजर किसी चेहरे पे यूं ही रुक जाती है, यूं ही रुक जाती है। नहीं दिल में कुछ मेरे, मुझे शौक है सिर्फ नजारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। तुमसे हसीनों की हो खाक कदर, हम लोग रंग रूप को न देखें अगर। तुमसे हसीनों की हो खाक कदर, हम लोग रंग रूप को न देखें अगर। जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, पूछो उससे कितनी तकलीफ होती है। जल जाता है वो दिल ही दिल में, जब सामने उनके औरों की तारीफ होती है। तारीफ होती है तो लट उलझी सुलझा दूं, मतलब है ये मेरे इशारों का। मैं आशिक हूँ
आशिक हूँ बहारों का, नहीं देखा कभी पहले, कभी पहले नहीं देखा ये फूल है किन गुलजारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का, मैं आशिक हूँ बहारों का। अरे गाड़ी क्यों रुकती, क्या बात है? जरा सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? अरे जरा सी गड़बड़ है। अरे बोलो तो सही, क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है? गड़बड़ ये है, प्रॉब्लम क्या है? हो बताओगे कि नहीं? मैं आपको नहीं बता सकता। मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता। नहीं नहीं मदद हिम साहब, इस मामले में आप बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। ओ आखिर बात है क्या? बात ये, सुसु आई, मैं अभी आया। ओके और बेटा सुसु कर। अरे ओहो, हे व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? ओह मेरी सिप, सॉरी, पे फाइन, नो मनी, नो मनी, ओके आई विल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन। अरे प्लीज कम इन। अरे मुझे क्या मालूम यहां सुसु करने की मनाही है। चल बेटा पुलिस स्टेशन। ओके ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर कार रैली। जो गाड़ी शेड्यूल टाइम पर सबसे पहले पहुंचेगी उसके ड्राइवर को 5000 फ्रैंक्स का इनाम दिया जाएगा। दिस टाइम यूरोपियन के अलावा कुछ इंडियन भी इस कार रैली में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें हैं विक्रम, वीरा राय एंड 572 अशोक शर्मा। एंड हियर वी गो। मैं तेरी हूँ। मैं तेरी हूँ। तू मेरी है।
लगता है मेरी आंखें कुछ खराब हो गई हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा। सब गाड़ियां गुजर गई हैं मगर तुम्हारा होनहार बेटा नजर नहीं आया। मैं अपने बेटे को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ, देखना किसी दिन उसकी दोनों मुट्ठियों में सोना होगा, सोना। मम्मी, वीरा, वीरा की बेटी। अरे ये क्या हो गया बेटा? मम्मी वीरा की कार उलट गई थी, मैं ना पहुंचता तो शायद। तो न जाने क्या हो जाता। मैंने रेस छोड़ दी मम्मी, वरना 5,000 francs मेरे जेब में होते। अरे तू 5,000 francs की क्या बात करता है, इतना तो तू रोज जुए में हार जाता है बेटा। मेरी बेटी की जान तो बच गई है, तू इधर खड़े होकर क्या कर रहा है? उधर कहीं जाके उसको बिठा, कुछ कॉफी वॉफी पिला दे। I'll take care of her. जाओ। Come on, Veera. मैंने तुम्हें रेस में जाने के लिए मना किया था और तुम फिर भी चली गई। ये तो अच्छा हुआ कि तुम बाल बाल बच गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। ओहो, बस कीजिए ना राय साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की है, इसको कब तक डांटते रहेंगे? माफ कीजिए हीरा देवी, वीरा मेरी बेटी है और वो भी अकलौती, इसे बुरा भला समझाना मेरा जाती मामला है। मगर हमारा भी कुछ हक है वीरा पर, मैंने तो इसे हमेशा अपनी बेटी के बराबर समझा है। आपने मेरी बेटी की मदद की है, इसके लिए मैं आपका और विक्रम का एहसानमंद हूँ। कैसी बात कर रहे हैं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था, और फिर अपनों का अपनों पर कभी एहसान होता है? छोड़ो इन जज्बाती बातों को, और चाय वाय मंगाऊं? जी नहीं बस शुक्रिया, अब हम चलेंगे। चलो बेटा बस। अच्छा, थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय बेटे। चाओ वीरा। चाओ अंकल। देखो बेटा, मैं जो कहता हूं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? देखो फिर कभी ऐसी गलती ना करना। ये श्री राय बड़ा चलाक आदमी है, हाथ ही नहीं रखने देता है। ये तुम कह रहे हो मम्मी? हाँ क्यों नहीं, मगर उसकी जिंदगी में बस एक ही कमजोरी है और वो है वीरा। नेचुरली इकलौती है, सारी दौलत उसी को मिलने वाली है। तुम फिक्र मत करो मम्मी, वीरा तुम्हारी बहू जरूर बनेगी, बिकॉज आई लव हर। ओ विकी, विकी माय सन, मुझे यकीन है तुम अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। आपके आशीर्वाद से यहाँ कुशल हूँ, आपकी कुशलता श्री परमात्मा जी से मैं चाहता हूँ। अशोक भैया, ये विदेशी मुद्रा रेस में जीतने का पुरस्कार है क्या? हाँ, माँ को भेजा। वाह वाह, धन्य पुत्र होता है। मेरा प्रणाम लिखा कि नहीं? जी हाँ, प्रणाम के साथ ये भी लिखा है कि आप काफी कदे हैं। भाई हो तो ऐसा। जी तेरा। सुनो, बॉन ऑफ फ्रांस जाकर ये मनी ऑर्डर करा। आई एम गेटिंग लेट। ओहो, बॉन ऑफ फ्रांस जाना पड़ेगा। ए बड़े भाई, बड़े बंधन के जा रहे हो, इतर वितर लगा रहे हो, कोई चक्कर चल गया क्या? चक्कर पार्टी में जा रहा हूँ। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट की सोशलिस्ट? मूर्ख, रेस जीतने की खुशी में सिराय ने पार्टी दी है, चलेगा? मैं? अजी छोड़ो गुरदासपुर की बातें, हमको किसी ने निमंत्रण भेजा है क्या? अरे निमंत्रण के पुत्र, हर जगह निमंत्रण से जाता। देख सोच ले, वहां पे भिन्न भिन्न तरह के भोजन होंगे और इसका प्रबंध भी तेरे पुराने मालिक जमुना दास ने किया। जमुना दास गुरदासपुर वाले? सोच लेते हैं बाबू, दिल करे तो चल। ए दीते मैं। Well done, congratulations. Thank you. Oh, come on, give him a big hand. तुम वहां क्या कर रही हो? यहां आओ। अशोक, ये है मेरी बेटी वीरा। ये आपकी बेटी? हाँ, क्यों, तुम इसे जानते हो? डैडी, ये मुझे रेस में मिले थे। हाँ, जब आप मुझसे आगे निकल गई थी, लेकिन बाद में विनिंग पोस्ट के नजदीक कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी गाड़ी उलट गई थी, वरना मैं आपको विनिंग पोस्ट पर ही मिलती और आप कभी फर्स्ट नहीं आते। फर्स्ट? ये तो किस्मत अच्छी थी कि स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया। क्या मतलब? जब रेस पे जा रहा था, एक लड़की मेरी गाड़ी चुरा के भाग गई। हाँ? नहीं नहीं, गाड़ी भी मिल गई, चाबियां भी मिल गई, लेकिन 200 फ्रैंक चुरा लिया उसने। ये झूठ है। व्हाट? मेरा मतलब है, यहाँ स्विट्जरलैंड में इस तरह की चोरियां नहीं होती। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, यहाँ की कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वो लड़की तो हिंदुस्तानी थी। You like to have some drinks, sir? Oh yes, thank you very much. Excuse me. Hi. Hi, love. मुझसे बात मत करो, मेरा मूड बहुत खराब है। Then have a drink. Hmm.
बहुत परेशान हो, क्या बात है? Get me another one, please. Sure. Mary, yeah, you have Oluka Pata. Yeah? Yeah. Hey, waiter, two cold drinks. Ek hamara liye, ek hamara girlfriend ke liye. Hey, kya dekhta hai? Hum Mr. C. Roy ka personal friend hai. Hum report karega. Hum cold drink mangta hai. Tum hamara girlfriend ko dekhta hai. Sorry, sir, sorry. Abhi lata. Hurry up, hurry up. What's that? Kya hai? बदला लेने का भभूची मसाला मसाला अशोक अगर यहां तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझसे जरूर मिलना थैंक यू वेरी मच मैं जरा हां आपके लिए स्पेशल गुरदासपुर का हलवा बनाकर लाया हूं मेरा दावा है कि इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी भर आएगा और खाने के बाद आंखों में Thank you. You tried. Thank you. हलवे में मिर्च? मिर्च? इतना बड़ा मिस्टेक? इडियट कहीं का ले जाओ से यहां से वो रानी जी क्या हुआ होना क्या है बेड़ा गर्क हो गया है हलवे में मिर्ची डाल दी है What? हलवे में मिर्ची ये सब मुरलीधर का चमत्कार है अबे ओ मुरली के मुरली नहीं श्री मुरलीधर चतुर्वेदी गुरदासपुर वाले जहां का तू है वहीं की ये मिर्ची थी चलो डार्लिंग मेरी अपना काम हो गया अगर गुरदासपुर हुंदा ते दी मैं We'll be right back.
मुरली के साथ होने से वैसे तो हर तरह का आराम है, लेकिन तुम्हारे हाथ की दाल रोटी बहुत याद आती है। मन करता है जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। अपनी तबीयत का ख्याल रखना। कमला दीदी को मेरा नमस्ते। बेटा हो तो ऐसा, तुम बहुत भाग्यवान हो मौसी। कमला तो आज ही चिट्ठी लिखते। हाँ हाँ बोलो, क्या लिखना है? मैं लिख दूंगी। सबसे पहले तो ये लिखना, मोटर रेस में कभी न जाए। कैसी बातें करती हो मौसी, रेस में इनाम जीत करी तो अशोक ने तुम्हें 15,000 रुपए भेजे थे। मोटर का क्या भरोसा, कभी भी टक्कर हो सकती है, उलट सकती है, भगवान न करे। अच्छा अच्छा और बोलो क्या लिखना है। और उसे डांट कर लिख देना, सारे रुपए मुझे भेज दिए, परदेश में है, अकेला है, कभी भी रुपयों की तंगी हो सकती है। और नहीं कमला, कमला डांट कर नहीं लिखना, मैंने जो कुछ कहा कुछ नहीं लिखना। तो फिर क्या लिखूं मौसी? सिर्फ इतना लिखते हैं, पढ़ाई खत्म होती जल्दी वापस आ जाए, बहुत दिन हो गए, अब उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मौसी Yes, sir. I'll show it to you. Please. Oh. Fantastic. Thank you, sir. Very good. Thank you, thank you. This is fantastic. This is wonderful, Ashok. इससे सारी दुनिया की फूड प्रॉब्लम हल हो सकती है। मैं जानता हूँ सर, लेकिन अभी तो मेरी रिसर्च की पहली मंजिल है। मेरे साथ काम करोगे तो आखिरी मंजिल भी दूर नहीं। आप मुझे ऑफर दे रहे हैं? हाँ अशोक, अशोक मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें साइंटिफिक रिसर्च भी शामिल है। तुम अगर मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें सब फैसिलिटी मिलेगी जो तुम चाहोगे। दैट्स वेरी नाइस सर, लेकिन क्या है, रिसर्च के काम में यूरेनियम जैसे काफी कीमती मेटल की जरूरत पड़ती है और कभी कभी करोड़ दो करोड़ तो यूं ही खर्च हो जाता है। और अगर तुम कामयाब हो गए तो करोड़ों आ भी सकते हैं, और अगर मैं कामयाब ना हुआ तो करोड़ों जा भी सकते हैं। तो मैं समझूंगा करोड़ दो करोड़ का जुआ खेल लिया मामूली बात है। क्यों, क्या सोच रहे हो? सर सोच रहा हूं कि आप वाकई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेस मेरी रग रग में है। बोलो डन। डन। How do you like the laboratory? Fantastic. Olga? Olga. Come here. Olga, this is Mr. Ashok. ये हमारी लेबोरेटरी के नए इंचार्ज होंगे। ये ओल्गा है, साइंटिस्ट है, 2 साल से यहाँ काम कर रही है, अब तुम्हारे साथ काम करेगी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये हिंदी? हाँ, इसके बहुत से हिंदुस्तानी दोस्त हैं तो बोल लेती है थोड़ा बहुत। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमको भी, थैंक यू। आओ तुम्हें दूसरा हिस्सा दिखाऊं। हाँ। तुम्हें यूरेनियम चाहिए था ना, ये देखो। अब ये कहां से आया, कितने में आया, ये ना पूछना। आज से इस कीमती चीज की जिम्मेदारी तुम पे है। लो ये चाबी एंड गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
उसने मेरी बेइज्जती की है, मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकती। ऐसे कमीने को कभी माफ भी नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है। एक और डाल दो। मीरा, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। जिसने तुम्हारी बेइज्जती की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशोक, अशोक शर्मा, I hate him। आपने मुझे बुलाया मिस्टर राय? हाँ, बैठ। मुझे तुमसे कुछ काम है। वैसे काम तो पर्सनल है, मुझे तुमसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी की वजह से मजबूर हूं। कहिए ना राय साहब, आप काफी अपसेट नजर आ रहे हैं। हाँ अशोक, तुम तो जानते हो मैंने वीरा को पूरी आजादी दे रखी है, लेकिन ये पहली बार है कि वो कल रात से घर नहीं आई। मैंने उसके तमाम दोस्तों को फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेरी समझ में नहीं आता। आप फिक्र मत कीजिए राय साहब, शाम तक वीरा घर पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड प्ले स्ट्रिप पोकर इन द अदर रूम। अरे विकी, ये पोकर क्या होता है? अरे तुम नहीं जानते, ये यूरोप की सबसे बेहतरीन और दिलचस्प गेम है। जिस तरह तुम लोग हिंदुस्तान में ताश पैसों से खेलते हो ना, उसी तरह हम लोग कपड़ों से खेलते हैं। जो हारता है उसे कपड़े उतारने पड़ते हैं। और ये तो सिर्फ गेम है। एंड अ गेम इज अ गेम इज अ गेम। वाओ, again you lost, yes, you again you lost, oh, oh, well, well, oh, oh, well, well, oh, oh, well, well, oh, oh, well, oh, 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 oh, well, oh, 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 oh, well, oh, 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 oh, well, oh, 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 well, oh, 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 नहीं नहीं नहीं, अगली बार। Come on friends, let's see the luck. Come on. Here you are. Hurry up. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Good luck. Come on, 3 aces. Wow, wow. Come on, let's see. Here you are. There she loses. No. Oh, yeah. Team Baker, fantastic! I can never lose. Show. There she loses again. Oh, oh well, 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 okay. Oh well, oh well, oh well, oh well. Okay, baby, smile. मैं कहता हूं कपड़े पहनो। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं कहता हूं कपड़े पहनो। नहीं पहनती। विक्रम, इसी हाथ से उठाकर बाहर फेंक दो। चलो मिस्टर अशोक। Come on.
Can I help you? My car. Kaput. I'll see it. You need a mechanic for it. Where from? Garage. How do I get there? Come with us. We'll give you the lift. All right. Okay. Okay. Come on. Why are you stopping here? बाहर बात करते हैं। बोलिए। कल रात मैं होश में नहीं थी। अच्छा? जो कुछ हुआ मैं भूल जाइए उसे। नहीं, मैं नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? देखो ना, तुम यहाँ की रहने वाली हो, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हम दोनों ने जो कुछ भी किया अपनी अपनी तहजीब के मुताबिक किया, और फिर मैं तुम्हारे पिताजी की इज्जत करता हूँ। मीरा, कल रात के बारे में तुम्हारे पिताजी को कुछ मालूम है? नहीं, तुम उन्हें बताओ कि क्या फायदा भी क्या होगा, सुनेंगे तो बड़ा दुख होगा, उन्हें शर्मिंदगी होगी, और फिर तुम्हारी आदत तो बदलेगी नहीं। फिर तुम किसी दिन शराब पीकर सबके सामने सरेआम अपने जिस्म की नुमाइश करो। बस करो, मैं तुमसे माफी मांगने आई थी और तुम मुझे जलील कर रहे हो। जलील होकर भी अगर कल रात के लिए तुम्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी होगी। बाय बाय। बिना पी हुए भी मैं कभी इतने होश में नहीं रहती जितनी इस वक्त हूँ। तब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? किस लिए? I love you. बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो। Don't be silly. तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। ये बात आप पहले कितनी बार कितने लोगों से कह चुकी? अशोक, मैं यहाँ के माहौल में पली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कैरेक्टर खो चुकी हूँ। मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि आई लव यू, और पहली बार जिससे कहा वो इडियट निकला। मीरा, प्यार तुम्हारे लिए शायद एक बल्ब की तरह है, जिसे जब जी चाह ऑन कर दिया, जब जी चाह ऑफ कर दिया। हाउ कैन यू से दैट? प्यार ही तो एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया में एक जैसा है। यही तो अफसोस की बात है कि तुमने हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया, वरना प्यार के बारे में इतना लेक्चर वेक्चर नहीं देती। क्या मतलब? मतलब
भगवान के बाद हम प्यार को ही मानते हैं और जिसे प्यार करते हैं उसकी पूजा करते हैं। वहां की लड़कियां भी ऐसी होती हैं क्या? वहां आज भी औरत को देवी माना जाता है। देवी? यस बेबी, बाय बाय। नो नो, पहले ये बताओ कल कहां मिलोगे? कल कहां मिलो? क्यों क्यों क्यों, किस खुशी में? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ जो लड़की हिंदुस्तान में पैदा हुई हो उसमें और मुझ में क्या फर्क है। आप ये जानना चाहती? तब तो बहुत साल लगेंगे। So what? कल सुबह तुम मेरे घर आ रहे हो। मैं तुम्हारे घर? नो नो नो। और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं शराब पीकर नशे में चूर होकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी और वहाँ जोर से इतना शोर मचाऊंगी कि तुम्हारे मकान के सारे लोग तुम्हारे फ्लैट में जमा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सोच लो, सोच लो। हाँ सोच लिया, मैं वो ओके आऊंगा। अशोक चलो चलो मेरे साथ। चलो कहाँ चलो? अरे बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अरे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट छोड़ो, चलो। कम ऑन कम ऑन। लिसन लिसन, आई विल बी बैक इन अ मिनट। नो डोंट वरी, आई हैव अ नाइस टाइम। ही वोंट बी बैक, ही वोंट बी बैक, ही वोंट। ये किसका प्लेन है? मेरा। चोरी का है? नहीं, डैडी ने बर्थडे प्रेजेंट दिया था। अच्छा, तुम्हें उड़ाना उड़ाना आता है क्या? प्लेन तो क्या, मैं तो तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगी। अरे मर जावा, लेकिन मैं मरू क्यों? देखो भाई, मैं अपनी ये कीमती जिंदगी तुम्हारे इन हाथों में नहीं देना चाहता। अब तो जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। ओ, क्या ही फिल्म का गाना था वो, प्यार किया तो डरना क्या, जब मरना ही है तो डरना क्या। कहाँ है दरवाजा? इधर इस तरफ है। आ, आ, वा, वा, ये उठा है ना? हाँ बिल्कुल। कहीं रांझा, कहीं
कहीं हीरी कहीं शीरी फरहाद नाम सबको है याद। कहीं पे रोमियो जूलियट कहीं राजा कहीं ही कहीं शीरी फरहाद ये नाम सबको है याद। ये नाम सबको है याद सबको है याद सबकी कहानी दिल से मंसूब है ये दुनिया खूब है ये दुनिया खूब है। आई एम इन लव यू आर इन लव ही इज इन लव शी इज इन लव। से क्या लेना है दुनिया को छोड़ो यारो दुनिया से क्या लेना है दुनिया को छोड़ो यारो। जुल्फों की बातें करो होठों के किस्से छेड़ो जुल्फों की बातें करो होठों के किस्से छेड़ो। ये जिंदगानी दिल से मंसूब है ये दुनिया खूब है ये दुनिया खूब है। मौसम लेकिन ये रुत है एक सुहानी बरसों की जिंदगी में दो दिन की है जवानी बरसों की जिंदगी में दो दिन की है जवानी। और ये जवानी दिल से मंसूब है ये दुनिया खूब है ये दुनिया खूब है। आई एम इन लव यू आर इन लव गेस्ट आने वाले हैं तुम फिर कभी आना एक्सक्यूज मी बाय। आ
गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो, कितनी देर कर दी तुमने। कम ऑन। गुड आफ्टरनून सर। सिट डाउन। ये देखो, ये किताब मैंने कल ही खरीदी है। इसमें इंडिया के बारे में सब कुछ लिखा है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, लाल किला, लेकिन हिंदुस्तानी लड़की के बारे में कुछ नहीं लिखा है। जमीन की तरफ क्या देख रहे हो? अरे बोलते क्यों नहीं? हा? वो तुम जरा कपड़े बदल क्यों? क्यों? क्योंकि पांव ढके हो। जरा क्या है, दिमाग जो है ना वो गड़बड़ हो रहा है कुछ। अजीब आदमी हो तुम। सब लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी लेग्स बहुत खूबसूरत है और तुम। ओके ओके, मैं अभी आई। क्यों, अब क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब भी कोई कमी रह गई क्या? जो काम तुम्हारी माँ को करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ेगा। तुम्हारे पास साड़ी है? साड़ी? अरे हाँ, तुम्हारे पास साड़ी कहाँ से आएगी? एक मिनट। थोड़ी सी कमी है, एक सेकेंड। जरा इधर देखो। देखो ये कौन है? तुम हो? जैसे तुम चाहते हो। कुछ कुछ वैसी बन सकूंगी? क्यों नहीं, मैं जो हूं मैं बनाऊंगा। अशोक, अशोक। गई मेरे गोरे गालों का, रेशमी बालों का, रंग
बेहूदगी है। बस यूं ही आज हिंदुस्तानी लड़की बनने का मूड आ गया। ओह व्हाट नॉनसेंस, तुम जानती हो मुझे हिंदुस्तानी लिबास बिल्कुल पसंद नहीं। डैडी आखिर हम हैं तो हिंदुस्तानी। थे मगर अब नहीं। जाओ से बदल डालो, जाओ फौरन। अशोक भैया आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि कहां से आ रहे हो और किससे मिलके आ रहे हो। है एक लड़की बड़ी खूबसूरत नटखट सी। वीरा तू क्या सीआईडी में है? अरे बड़े किस्मत के धनी हो, कितने हिंदुस्तानी लाइन लगा के बैठे हैं उसके लिए। किसी लड़की से मेल जोल रखने का मतलब ये थोड़ी है कि वो अपनी है। अजी छोड़ो गुरदासपुर की बातें, अपना तो उसूल है, जो लड़की मिली वो अपनी, जो नहीं मिली वो पराई। लेकिन अभी तक तो अपनी नहीं है ना। हो जाएगी पराए, लोग धीरे धीरे ही तो अपने होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार गीता में कहा था, क्या कहा था ये मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम है। क्या? कि आप काफी गधे हैं। थैंक यू भाई साहब। मगर श्री किशन ने कहा था? जी मैं आपके लिए चाय ले ही आता हूं। ये किशन जी ने कैसे दिया? गधा मैं? अरे किशन, ओ किशन। थैंक्स डैड। अबे डैड के सौतेले, सुबह से ही पी रहा है, ये छठी बोतल है और तेरे बाप का होटल है। कम ऑन डैड, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे उस इंडियन अशोक से बदला लेना है। उस इंडियन से बुरी तरह मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई? स्टॉप इट डैड, कहां वो दो कौड़ी का आदमी? और कहां तू? पता है कि अशोक अब सी राय का पार्टनर बन चुका है और सी राय उस पर मिलियन खर्च करने को तैयार है। अबे बेटे सौतेले छोड़ उसका ख्याल, अपने आप को संभाल। Thank you, thank you. Hello, Ashok. Hello. Congratulations. I'm very, very glad to know you passed examination. Come on, tell me what's the next plan. Excuse me, Ashok. बहुत बहुत बधाई हो. Congratulations. लगती ही ना 100% हिंदुस्तानी लड़की? 100% नहीं, 99%. क्यों? 1% की क्या कमी रह गई? नजदीक आओ बता तो. ये सबके सामने पप्पी और गलती हो गई, आज के बाद अकेले में करूंगी। प्रॉमिस? अकेले में? अकेले में? बहुत 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 अकेले में। चलो चलो। रस्तों पे चलते जाए हम और मंजिल कभी भी न आए। हे ला 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 ला। तेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिल तो ये कहता है, यू
ही रस्तों पे चलते जाएं हम और मंजिल कभी भी न आए। हे ला 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 नजदीक आएगी मंजिल जो नजदीक आएगी तू मुझसे दूर चली जाएगी तेरे जाने के बाद तेरी याद आएगी तेरे जाने के बाद तेरी याद आएगी। मैं तुझको कहाँ ढूंढूंगा किससे पूछूंगा यूं ही रस्तों पे चलते जाएं हम और मंजिल कभी भी न आए। हे ला 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 मुझको तो नींद नहीं आएगी मुझको तो नींद नहीं आएगी तू क्या मुझे भूल जाएगी मेरे जाने के बाद मेरी याद आएगी मेरे जाने के बाद मेरी याद आएगी। अच्छा है इस दूरी से मिलने की मजबूरी से यूं ही रस्तों पे चलते जाएं हम और मंजिल कभी भी न आए। हे ला 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 तेरा दिल क्या कहता है मेरा दिल तो ये कहता है यूं ही रस्तों पे चलते जाएं हम और मंजिल कभी भी न आए। हे ला 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 ला। क्या सोच रहे हो ओल्गा? इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। कम ऑन, थिंक अबाउट इट, ट्रस्ट मी। ओके विकी, चीयर्स। चीयर्स। और पुलिस
डैडी ये सब क्या है? कुछ नहीं, ही इज द थीफ। मैं? क्या कह रहे हैं आप? यस यस, अरेस्ट हिम। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? चुप रहो तुम। डैडी स्टॉप इट। शट अप। डैडी ये क्या हो रहा है? डैडी प्लीज स्टॉप इट। यू गो होम। डैडी डैडी मेरी बात सुननी तो सही। अशोक अशोक मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अशोक da haben Sie Aussagen, können Sie mit ihm reden. मैं तुम्हें सच बोलने का आखिरी मौका देता हूं। जहां तक मुझे याद है मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। यूरेनियम की चोरी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। यह है ओल्गा का बयान, पढ़ो इसे। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सुनो, तुम और ओल्गा आपस में प्यार करते हो। यह झूठ है। तुमने ओल्गा से कहा कि वो यूरेनियम चुराकर पेरिस भाग जाए जहां तुम उसे शादी करने वाले थे। ये सरासर झूठ है। ओल्गा ही इज लाइंग, ये झूठ बोलता है। ओल्गा क्या बेटा? 100% मम्मी, अब अशोक किसी भी हालत में नहीं बच सकता। हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। देखो अशोक, चार्जशीट तैयार है, कल कोर्ट में पेश कर दिए जाओगे। अब भी अगर तुम, मैंने जो कहना था मैं कह चुका हूं, तो सड़ते रहो जेल में। यहां तुम्हारी कोई जमानत देने वाला नहीं। मैं दूंगा इसकी जमानत। तुम इसकी जमानत नहीं दे सकते जमुना दास। जमानत? मैं इसके लिए अपना होटल अपना सब कुछ बेच सकता हूं। मिस्टर राय अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। तुम जानते हो उसने क्या किया है? जानता हूं मगर मानता नहीं, क्योंकि मेरी आंखों पर विदेशी चश्मा नहीं चढ़ा हुआ। होश में रहो जमुना दास, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं कि मैं जलंधर वाले चंडी दास से बात कर रहा हूं। करोड़ों रुपए कमा लिए तो सी राय बन गए। मेरी तरफ देखो चंडी दास, मैं अब भी जमुना दास हूं और मैं परदेश में अपने हम वतन की मदद करना फर्ज समझता हूं। इंस्पेक्टर गिव मी द बेल पेपर। ओल्गा? हाँ, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है। जेल इसलिए नहीं भेजा कि उस बेचारी का कुछ कसूर नहीं था। वो तो अशोक के इशारों पे नाच रही थी। नहीं डैडी, मैं यकीन नहीं कर सकती। वीरा, जो सच है वो सच है। मैंने भी उस पर यकीन करके लाखों खर्च कर दिए। कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना कमीना निकलेगा। यस, राय स्पीकिंग। यस। हेलो वीरा, मैं, मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना। मैंने अभी ओल्गा का बयान पढ़ा है। तुम्हें गलत समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। बेबी विकी, मेरा मनी और एयर टिकट लाया ना? लाया ना? Why can't you tell विकी? I'm getting late. Please give me ticket and money, please. Don't worry baby, तुम्हारा टिकट और तुम्हारा मनी दोनों हमारे पास है। बाकी मेरे पे छोड़ दे कुत्ते। स्टॉप इट। नहीं तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। चुप बे कमीने, तू और तेरी मां हमेशा मुझको जंबो कहते थे ना, तो आज जंबो जाट की स्पीड देख ले बेटे सोतेले।
क्यों बताया? बोल बोल मैं कहता हूं। बताता हूं। मिस्टर सी राय अंदर हैं। व्हाट इन मिस्टर सी राय इन? यस सर। बट हट। विक्रम ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं, ये तमाशा है तुम्हारे मुंह पर मिस्टर राय। असल गुनहगार ये है और तुमने उस बेचारे अशोक को पुलिस के हवाले कर दिया। ये क्या कह रहे हो? विक्रम तुम्हारा बेटा है? मेरा बेटा होता तो आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ता। फिर भी मकार जो कुछ तूने किया है बता सी राय को, ताकि इस संदेह की आंखें भी खुलें। Believe me, Mr. Ashok, I'm helpless था, मजबूर था, हमको मनी चाहिए था। माफ कर दो अशोक, प्लीज हमको माफ कर दो। डरे, जल्दबाजी में आकर आपने बहुत ज्यादती की है। मैं अशोक को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं भी यही सोच रहा हूं बेटा। अशोक, अशोक मुझसे गलती हुई। गलती? लेकिन आप जानते हैं आपकी गलती का अंजाम क्या होता? मेरा करियर खत्म हो जाता। मेरी माँ जो मेरी खुशियों की आस लगाए बैठी है वो जीते जी मर जाती। आपने आपने तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्यों नहीं, आप तो बड़े लोग हैं, किसी को भी चोट ठहरा सकते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है अशोक। मुझे मालूम नहीं था कि यूरेनियम चुराने की साजिश विक्रम और ओल्गा की थी। सिर्फ विक्रम की, ओल्गा बेकसूर है। क्या उसने तुम पे इल्जाम लगाया, झूठा बयान देकर तुम्हें फंसाया? और उसने नहीं, उसकी मजबूरी ने। मजबूरी? शायद आपको पता नहीं कि ओल्गा शादीशुदा है और उसका एक मासूम सा बच्चा भी है जो फ्रांस में किसी के यहां पल रहा है। उसका पति जर्मनी की जेल में है, उसे जासूस समझकर बंद कर दिया गया। और इस बात का इल्म ओल्गा को कुछ दिन पहले हुआ। ओल्गा को 1,00,000 फ्रेंड्स की इसलिए जरूरत थी ताकि वो अपने पति की जान बचा सके। ओल्गा ने जो कुछ भी किया अपने पति की खातिर किया। लेकिन ये सब कुछ ओल्गा ने मुझे क्यों नहीं कहा? वो अगर आपसे कह देती तो क्या आप 1,00,000 फ्रेंक्स दे देते? मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आया था कि ओल्गा को माफ कर दीजिए, उसे नौकरी से मत निकालिए। मैं ओल्गा को माफ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ कहो, कितनी दौलत चाहिए? तेरे की ना करोड़पतियों की जबान में बात, मैं तो आपसे इंसानियत की उम्मीद रखता था। मतलब? आप ओल्गा का शोहर और उसका बच्चा वापस दिलवा दीजिए, एक उजड़ा हुआ घर फिर से बसा दीजिए। भाई साहब, यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। ओ ठीक है। और नमस्कार। अशोक सुनो, तू डैडी ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। ओ प्लीज अशोक, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? किस लिए? क्योंकि मैंने भी तुम्हें गलत समझा। शायद इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकूंगा। अशोक, मैं जानती हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन तुम मुझे माफ किए बिना जा नहीं सकते।
कौन रोकेगा मुझे? मेरा प्यार, मेरा प्रायश्चित। तुम मुझे एक नई राह पे लेके चले थे, मंजिल से पहले ही साथ छोड़ दोगे क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। वीरा, आइंदा कभी भी गलती से मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा? प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं जमुना दास से अपनी बेइज्जती का ऐसा बतला रहूंगा। देखिए, तू कुछ मत बोल। ऑलरेडी मेरा खून खोल रहा है। पहले जम्बो को तो वापस आने दे। लो, आ गया। जम्बो, तुमने विकी पर हाथ उठाया? हाँ, दरअसल उठाना जूता चाहिए था, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं पूछती हूँ, तुमने विकी को मारा क्यों? ओ, वाह बेटे सौतेले, मेरी शिकायत करके घर में आग तो लगा दी, लेकिन अपने करतूत नहीं बताई। जवान बेटे से अगर कोई गलती हो भी गई तो उसे मारना चाहिए। तुम्हारा अपना बेटा होता तो मैं उसे गोली मार देता। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो ये तुम्हारा लाडला बेटा खून के इल्जाम में गिरफ्तार होता। विकी, तूने क्या किया है? विकी, तूने क्या किया है? ये क्या बताएगा? मुझसे पूछो, मुझसे। इसने एक अंग्रेज लड़की को बताकर सी राय की कंपनी में चोरी करवाई, जिसका इल्जाम अशोक पर आ गया। उसके बाद उस लड़की को पैसे देने के बजाय ये उसकी जान लेना चाहता था। विकी, क्या ये सच है? लाखों की दौलत हासिल करने का प्लान था, फ्लॉप हो गया। मगर तुमने ये सब कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी, तुम्हें तो दौलत चाहिए ना, चाहे जहां से भी आए, जैसे भी आए। किसी का खून करके भी? रकम बहुत बड़ी हो तो why not? आज अचानक इतनी शराफत कहां से आ गई तुम्हें? क्या कहा? आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से। हमेशा मुझे एक कठपुतली की तरह अपनी निशान बनना चाहती रही। देखी, Will you shut and listen to me? मुझे शराब पीना सिखाया तुमने, मुझे जुआ खेलने की आदत डाली तुमने, और वीरा को फंसाकर उसके बाप की सारी दौलत पर कब्जा करने का प्लान। देखी, थप्पड़ तो तुम्हें अपने मुंह पे मारना चाहिए था, जो ना किसी की बीवी बन सकी ना किसी की माँ। तुमने सिर्फ दौलत के लिए इस आदमी से शादी की और बार बार मुझसे कहती रही, बेटे जम्बो को नाराज ना कर, ये तो हमारी चेकबुक है, चेकबुक। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बेशरम, ये तूने क्या किया है? अच्छा हुआ इसकी भी आंखें खुल गई। अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगा जो रास्ता तुमने मुझे दिखाया। मंजिल मेरे सामने है और दौलत मेरे कदमों में होगी। गुड बाय। What is this? यह है वो 1,00,000 फ्रेंड्स जिसकी तुम्हें जरूरत थी। कहां से आया? सिराय साहब की तरफ से। What? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो दौलत से सब कुछ खरीदना चाहते हैं। खैर रख लो। मैं आपको चीट किया, पुलिस में दिया। मुर्गा, जो कुछ तुमने किया मजबूरी की हालत में किया, जो मैंने किया अपना फर्ज समझ के। समझ में नहीं आता हाउ टू थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ अपने हस्बैंड को बचाओ, अपने बच्चे से मिलो और अपना उजड़ा हुआ घर फिर से बसाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। गॉड ब्लेस यू। Thank you.
आर ए बिगिनिंग फ्रेंड्स। अब वो वक्त दूर नहीं जब सारे यूरोप में हमारा बोलबाला होगा। वेट फॉर द मास्टर प्लान। चीयर्स। 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 तुमने अशोक को बताया कि इसे यहां क्यों बुलाया गया है? नहीं, आप ही बता दीजिए ना। बात क्या है? कल अचानक वीरा ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करती है। और तुम मुझे भी पसंद हो। बैठो। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि अब जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए। और उसके बाद मेरी दौलत, मेरा कारोबार, मेरी सारी जायदाद और मेरी बेटी, सब कुछ तुम्हारा होगा। कहो, अब तो मान गया किस्मत को? लेकिन एक शर्त है। बोलिए। तुम हिंदुस्तान वापस नहीं जाओगे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हमारी तरह तुम भी यहां सेटल हो जाओ और फिर हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कीमत नहीं। तुम जैसे होनहार लड़के के लिए यहां स्कोप है, चांस है। राय साहब, मैं अपनी मां का इकलौता बेटा हूं और उसने बड़ी तकलीफों के बाद मुझे यहां पढ़ाई के लिए भेजा है। वो वहां पर अकेली है, मेरी वापसी का इंतजार कर रही है। ओह, दैट्स नो प्रॉब्लम। उसके खर्चे के लिए कुछ भेज दिया करेंगे। क्यों, पसंद आई मेरी बात? आपकी तो हर बात में सौदेबाजी होती है, लेकिन कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप मां के अरमानों का भी सौदा कर सकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, बचपना है तुम्हारा। खैर, मैं ये चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए। इसका मतलब मुझे अपनी दूसरी मां को भी छोड़ना होगा। दूसरी मां? इंसान की दो मांएं होती, एक मां जो इंसान को जन्म देती है और दूसरी उस देश की धरती जहां पे वो जन्म लेता है। बदनसीबी से मैं भी उसी धरती पे पैदा हुआ हूं जहां तुम पैदा हुए हो। जब तक वहां था तो पैसे पैसे को मोहताज था, और यहां आकर अब मैं करोड़पति हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट सभी विदेशों में हैं और मजे कर रहे हैं। क्या वो पागल हैं? जी नहीं, वो सब के सब आपकी तरह है। वो अपने देश की तरक्की से अपनी खुद की कामयाबी को ज्यादा जरूरी समझते हैं। मैं तुम्हारी देशभक्ति की कदर करता हूं, लेकिन तुम्हारी देशभक्ति तुम्हारे देश की भूख, गरीबी और बीमारी को हटा नहीं सकती। तुम क्यों नहीं समझते? तुम एक मोती हो और कीचड़ में गिरना चाहते हो? मोती कीचड़ में गिर के भी मोती ही रहता राय साहब, और खाक आसमान पर पहुंचने के बाद भी खाक ही रहती है। जिस देश की धरती को आप कीचड़ कहते हैं, वहां पिछले 10 सालों से कितने फूल खिले शायद आप जानते नहीं। मुझ जैसे हजारों लाखों डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर अपना भविष्य छोड़कर हिंदुस्तान के भविष्य में लगे हुए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब यूरोप जैसे देश हिंदुस्तान के सामने अपना सर झुकाएंगे और हिंदुस्तान उन्हें प्रेम और शांति का सबक सिखाएगा। Oh, shut up. Come to the point. मेरा वक्त बहुत कीमती है। अरे हाँ, आपका कीमती वक्त जाया करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। इतनी देर में तो आप 10-20 करोड़ रुपया कमा लेते राय साहब। ये बंगला, ये महल, ये दौलत, ये शान और शौकत आपको मुबारक हो। जय हिंद। अशोक, जाने दो उसे, बेवकूफ है वो। मैंने उसे इतना बड़ा ऑफर और वो ठुकरा कर चला गया। मैं बहुत खुश हूं डैडी, आई एम वेरी हैप्पी। बचपन से आपने मुझे यही सिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है दौलत। लेकिन अशोक से प्यार करने के बाद मुझे पता चला कि दौलत से भी बढ़कर कोई चीज है, और वो है प्यार। और आज जब अशोक सब कुछ ठुकरा कर चला गया, तो अचानक मेरी समझ में आया कि प्यार से भी ऊंचा कुछ है।
और वो है आदमी का अपना उसूल। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है वीरा। जिस चीज को चाहा है हासिल किया है। ड्राइव स्ट्रेट, आई से ड्राइव स्ट्रेट। जल्दी चलो, जल्दी चलो। मिस्टर रॉय, चिट्ठी में लिखे हुए पते पर 20 लाख फ्रैंक्स अशोक के हाथ भिजवा दीजिए। अगर आपने पुलिस को खबर करने की कोशिश की या किसी तरह की चालाकी की तो अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। राय साहब, वक्त बहुत कम है, बैग दीजिए। और सुनो, मैं मजबूरी में तुम्हारी मदद ले रहा हूं, वरना मैं किसी का एहसान मुफ्त में नहीं लिया करता। मिस्टर राय, अगर मैं वीरा को सही सलामत लाने में कामयाब रहा तो आपको एहसान खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। मैक, अशोक वहां पहुंच गया है। यस सर। उसको खत्म करके बैग मेरे पास ले आओ। ओके सर। और सुनो, होशियारी से। डोंट वरी सर। Where is Veera? Wait. Come. Thank you.
इसे कहते हैं किस्मत का खेल। स्विट्जरलैंड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की और 20 लाख फ्रैंक्स अब दोनों मेरे। कमीने सलील, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। टेक इट इजी बेबी, टेक इट इजी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इजंट इट? एंड यू नो आई लव यू। मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें प्यार करना सिखा दूंगा। यस सर, मैं कस कम सनीमिन। नोट्स गिन ले मैं। तुम इन फ्रैंक्स को हाथ नहीं लगा सकते। कम ऑन, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। ओह शट अप। ये बैग मेरे हवाले कर दो, सुनते हो या नहीं? छोड़ मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ, छोड़, छोड़। अशोक, अशोक, अशोक। तुम? जी हाँ मिस्टर विक्रम, एक सच्चे आशिक को तुम्हारे मगरमच्छ तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और मैं नहीं जानता था इतनी गंदी साजिश के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुमने यहां तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की? मैं कहां है? उसने मुझे रोकने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे मगरमच्छ बहुत भूखे थे। आशोक अपने आशिक को मरते हुए नहीं देख सकते। अभी तो सिर्फ 300 वोल्ट्स हैं। अगर तुम राजी ना हुई तो फिर 500, फिर 1000, फिर 2000। मैं तुम्हारा आखिरी फैसला सुनना चाहता हूं। हरगिज नहीं, कभी नहीं। Then it's fair enough.
हो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो दोनों जहाज टकरा जाएंगे और 3 लाशें जमीन पर होंगी। विक्रम, मैं कहता हूं प्लेन नीचे उतारो। Thank you.
मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जीते रहो बेटे। अशोक, तुम हिंदुस्तान वापस जा रहे हो? जी हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। हिंदुस्तान? और तुम्हारी अमानत भी मेरे साथ जा रही है। कोई है आशिक, कोई महबूब है, ये दुनिया भूल।